हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी कंसाइनमेंट का सम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन तुम्हारे लिख दिया है जो बोर्ड का ही पेपर का है। अब इसको सॉल्व करना है। इसमें सब कुछ दिया है, मतलब लोडिंग भी दिया, इन्वर्स प्राइस भी दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया, मतलब एक सम से तुम्हारा पूरा सम आ जाएगा। और मैंने बहुत सारे सम अपलोड भी कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कंसाइन में ये देखना है कि मालिक कौन है और एजेंट कौन है। तो किसने किसको माल सप्लाई किया? हिंद साइकिल। क्या दिया है? कितना माल दिया? 500 बाईसाइकिल दिया। किसको बेचने के लिए दिया? पाटिल को। तो ये मालिक हो गया हिंद और ये एजेंट कौन होगा? पाटिल। तो इधर एजेंट का अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? इधर एजेंट का पाटिल अकाउंट लिख दिया मैंने। और मालिक का नाम क्या है? इधर हिंद, हिंद साइकिल। तो बुक किसके बुक में बन रहा है? हिंद के। तो ये कंजाइनर का बुक में कंजाइनी का अकाउंट, मालिक के बुक में एजेंट का अकाउंट, ऐसा बनाने का रहता, राइट। तो सबसे पहले क्या करने का, फर्स्ट एंट्री किसका आएगी? गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। और जो मालिक खर्चा करेगा वह क्या लिखेंगे? टू कैश बैक, मतलब जेठालाल और सुंदरलाल। जेठालाल मालिक है, सुंदरलाल एजेंट है। तो इसने अपना माल बेचने के लिए सुंदरलाल को अपॉइंट किया। तो सुंदरलाल क्या करेगा? माल बेचेगा और फ्री में काम करेगा क्या? नहीं, वो अपने काम के लिए क्या चार्ज करेगा? कमीशन चार्ज करेगा। तो कभी कभी एजेंट एडवांस देता है तो एडवांस को यहाँ लिखते हैं। तो दो दो लाइन पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि पैराग्राफ वाला सम है ना। और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो कितने का माल सप्लाई किया? कितना साइकिल दिया? 500। क्या प्राइस था? 300। तो पहले मैं 500 क्वांटिटी लिखूंगा, राइट। बड़ी देर एक चीज बोला, क्या बोला मालूम है? परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस कितने का माना? बिल 400। जब भी इन्वॉइस दिया ना तो फिर इन्वॉइस वाला लेने का। तो दो रेट है, एक 300 है और एक 400। तो बड़ा रेट कौन है? 400। बड़ा वाला रेट लिया 400, तो हाँ उसको ही लेने का बड़ा रेट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख। क्या आ जाएगा? 2 लाख। तो एंट्री कैसा लिखेंगे? टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। माल सेंड किया, क्या किया हमने? माल सेंड किया। तो क्वेश्चन में एक रेट दिया कि दो रेट दिया है? दो रेट। जब भी दो रेट दिया रहेगा ना तो इसका बैलेंस एंट्री इधर भी डाल देने का। क्या लिखेंगे? बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो कितना माल सप्लाई किया था? कितना साइकिल दिया था? 500। और इधर क्या करने का? दोनों रेट को माइनस करो। ये कितना रेट था? 400। और ये कितना है? 300। तो 400 में से 300 क्या करो? माइनस करो। तो बचे क्या? कितना बैलेंस? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करके तुमको इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। जब इनवॉइस बोला रहेगा तब करना है, जब इनवॉइस बोला रहेगा तो करना है। अगर मान लो इनवॉइस प्राइस दिया ही नहीं था तो डायरेक्ट क्या करते हम लोग? 500 को 300 से मल्टीप्लाई करके यही लिखते हैं, ओके। नहीं आता ना, वो इनवॉइस प्राइस नहीं दिया रहता। तो कितने का माल सप्लाई किया? 2 लाख का। वो माल अपने आप चल के जाएगा क्या? नहीं। वो कैसे गया? हिंद साइकिल, मतलब मालिक ने इंकर्ड, मतलब पेड किया। कितना पेड किया? 10,000। काय के लिए पे किया? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो जब भी मालिक पे करेगा तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो कितना लिखेंगे? टू कैशबैक। उसका नाम नहीं आएगा, हिंद का नाम नहीं आएगा क्योंकि उसका ही बुक है। तो टू कैशबैक। काय के लिए खर्चा पे किया उसने? फ्रेट और इंश्योरेंस। इधर लिखेंगे फ्रेट और इंश्योरेंस। टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया उसने मालूम है क्या? 10,000। और इसको एक ही इफेक्ट देंगे। कितना इफेक्ट देंगे? 2 इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा इफेक्ट किसका आएगा? 2 इफेक्ट एजेंट का आएगा। किसका आएगा? क्रेडिट है तो डेबिट में आएगा, डेबिट है तो, बट मालिक का एक इफेक्ट। तो अभी हमने क्या किया? इतना पैराग्राफ सॉल्व किया, राइट। अभी तो ब्लू लाइन में क्या बोला है? पाटिल जो एजेंट है उसने क्या दिया? एडवांस पे किया। कितना एडवांस पे किया? किसको दिया? मालिक को। कैसे दिया? बैंक से। तो जो भी एडवांस रहेगा वो इधर आएगा। तभी एडवांस बैंक ड्राफ्ट देंगे, कभी बिल रिसीवेबल देंगे, कभी कैश देंगे। तो एडवांस जा रहा है, राइट। तो समझाता हूँ। तो कितना एडवांस दिया? 50,000। और एडवांस कैसे दिया उन लोगों ने? बोला है बैंक ड्राफ्ट। तो बाय बैंक अकाउंट लिखने का। क्या लिखने का? बाय बैंक अकाउंट, सिंपल। एजेंट ने क्या दिया? एडवांस दिया। पर किसको एडवांस दिया? मालिक को दिया ना, तो मालिक को मिला, इसलिए एक ही बार लिखते, ओके। अब इसके बाद क्या सीन हुआ मालूम है क्या? पाटिल ऑफ सतारा वॉस अलाउड टू कमीशन 10%। उसको क्या मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा जो काम, जितना माल बेचेगा। और पाटिल ने क्या किया? रेंट भरा। क्या भरा? कितना? 3,000। और एडवर्टीजमेंट कितना भरा? 2,000। तो रेंट मतलब माल पहुंचने के बाद का खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट भी माल पहुंचने के बाद का खर्चा, और ये माल पहुंचाने का खर्चा होता है। दोनों में खर्चा फ़र्क है। तो अच्छा, किससे पे किया ये? एजेंट ने। एजेंट का नाम क्या है? पाटिल। तो पाटिल एंड कंपनी अकाउंट लिखा। तो पहले क्या लिखेंगे? अपन एक्सपेंस लिखेंगे। तो क्या पे किया? गोडाउन रेंट। कितना रेंट पे किया उसने? 3,000। कमीशन अभी लिखना बाकी है क्योंकि सेल नहीं लिखा है। एडवर्टीजमेंट कितना किया? 2,000। 2,000 अमाउंट। तो टोटल कितना खर्चा पे किया उसने? 5,000। किधर लिखा अपन ने कंसाइनमेंट अकाउंट के? डेबिट। डीआर नहीं रहे, डेबिट। डेबिट से किधर रहेगा? क्रेडिट। ये कहाँ से है भाई? कौन सा अकाउंट से है? डेबिट से किधर रहेगा? क्रेडिट। इधर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट था? 5,000, सिंपल। फिर कमीशन भी तो मिलेगा उसको, तो इधर लिखेंगे पाटिल कंपनी। क्या लिखेंगे? कमीशन। क्या लिखेंगे? कमीशन। कितना परसेंट है? 10%। अभी सेल लिखा नहीं है ना अपन ने, तो फिर कमीशन कैसे निकालेंगे? जब सेल लिखेंगे तो कमीशन आएगा, तो पहले सेल करना पड़ेगा। तो कितना दिया था उसको साइकिल बेचने के लिए? 500। और भाई ने कितना बेचा? 450। पूरा बेचा क्या? नहीं। तो जब कम बेचा रहेगा तो ये भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक।
तो क्लोथिंग स्टॉक का क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, कितना बेचा? सेल बोलो तो बेचा ना, तो जो बेचा रहता है इधर आता है, किधर आता है? क्रेडिट में। कौन बेचा? एजेंट। एजेंट का नाम क्या है? पाटिल। कितना साइकिल बेचा? 450। मल्टीप्लाई करो, 450 को क्या भाव से बेचा उसने? 500। तो उसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 500। 225,000। 225,000 का माल बेचा। किसने बेचा? एजेंट ने बेचा। तो किधर लिखने का? इनकम होता है ना सेल, तो क्रेडिट में लिखा। नाम किसका आया? पाटिल। नाम किसका आया? पाटिल। कहाँ लिखा? क्रेडिट। दूसरा फैक्ट किधर आएगा? डेबिट। कहाँ से आया? हाँ, किधर से आया? कंसाइनमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में लिखने का सेल, क्या लिखने का? तो मालिक को मालूम पड़ गया उसने 225,000 का माल बेच दिया। सिंपल। सेल क्रेडिट से किधर है? डेबिट। तो एजेंट फ्री में काम करेगा क्या? नहीं, ही विल चार्ज कमीशन। कितना परसेंट? इधर बोला था ना 10%। तो कमीशन किस पे निकालने का? सेल पे। किस पे निकालने का? तो सेल कितना था? 225। तो 225 पे कितना परसेंट? 10%। तो कितना आ जाएगा 225 पे 10%? 22,500। सिंपल, 22,500। तो अभी हमारा इधर तक हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है? बैलेंस अमाउंट वॉज रेमिटेड। रेमिटेड मतलब दिया, जो भी पैसा बचा एजेंट ने मालिक को दिया। एजेंट ने तो कितना दिया, कैसे दिया वो बाद में देखेंगे। कमीशन का दूसरा पैक मैंने नहीं दिया ना, ये डेबिट है ना, तो किधर रहेगा? क्रेडिट। ये तो एक्सपेंस था, ये क्या था? एक्सपेंस। इधर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, क्या लिखेंगे? देखो ना, डेबिट है, डेबिट से किधर रहेगा? क्रेडिट। बाय कंसाइनमेंट क्या ये? कमीशन। कितना टका कमीशन? 10%। डेबिट से किधर रहेगा? क्रेडिट। एजेंट का दो इफेक्ट आता है। एजेंट का कितना इफेक्ट आता है? दो इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एजेंट का अकाउंट क्लोज कर दो। किसका अकाउंट क्लोज कर दो? इसको बाद में क्लोज करो, इसका तो पहले मार्क्स ले लो। तो इधर कितना दिया डेबिट में? 225,000 है। कितना है? तो हिंड साइकिल क्या बोलेगा पाटिल को? ए पाटिल, मेरा पैसा ला, तूने पूरा माल बेचा ना, 225,000 ला। तो फिर पाटिल क्या बोलेगा? एजेंट क्या बोलेगा? अरे भाई, तुम्हारा 50,000 दिला ना मैंने। कितना दिया? 50,000 दिया ना। तो बोलेगा हाँ यार ठीक है, 50,000 काट के दे। बोला अरे मेरा खर्चा हुआ 5,000। ठीक है, 5,000 काट। अरे मैं फ्री में थोड़ी काम करूँगा। तो क्या चार्ज करेगा वो? कमीशन। तो 225 में से, 225 में से ये तीनों क्या करेंगे? तुम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तो ये बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस समझो आ रहा है 147,500। कितना है? तो ये बैलेंस कौन दे रहा है? पाटिल दे रहा है। क्या दे रहा है? किसको देगा? मालिक को देगा। किसको देगा? भले 225 का माल बेचा है पर उसने एडवांस भी तो दिया, अपना खर्चा भी निकालेगा, अपना कमीशन भी लेगा ना। बैलेंस अमाउंट रेमिटेड, ये लाइन का वर्ड पढ़ो, बैलेंस अमाउंट वॉज रेमिटेड बाय बैंक ड्राफ्ट। क्या वर्ड बोला? तो फिर बैलेंस क्या अकाउंट नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी मेरा एक क्वेश्चन है, कितना साइकिल दिया था बेचने के लिए? 500। और कितना बेचा? 450। तो कम बेचा ना, तो फिर ये आएगा। अगर पूरा माल बेचा तो ये आएगा नहीं। तो अभी अपने को क्या ढूंढने का? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कितने का स्टॉक की वैल्यू बच गई। तो फिर इधर इधर कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपने जो माल दिया था कितने का माल था? 2,00,000। माल कितने का था? 2,00,000। माल कितने का था? 2,00,000। जो हमने गुड्स उसको सप्लाई किया कितने का था वैल्यू? 2,00,000। और उसमें हमने खर्चा कितना किया? 10,000। खर्चा कितना किया? 10,000। वो कौन सा खर्चा है? फ्रेट। कौन सा खर्चा है? जो माल पहुंचाने का खर्चा है। ये खर्चा नहीं लेंगे, ये रेंट है और ये एडवर्टाइजमेंट है। ये रेंट है और ये पहुंच गया ना, वो उसने खर्चा किया। अपन ने जो खर्चा किया वो लेने का। तो 2,00,000 का माल था, कितने का माल था? 2,00,000। और खर्चा कितना गया? 10,000। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? 2,10,000। तो 2,10,000 का हिसाब बताना पड़ेगा अभी, क्योंकि 2,10,000 मैंने 500 साइकिल के लिए दिया था, तो उसने 450 नहीं बेचा ना, तो बाकी का हिसाब मैं लूँगा ना उससे। तो फिर कैसे निकालने का? ये क्या वर्ड पढ़ो, टोटल कॉस्ट क्या है? ये लेने का टोटल कॉस्ट कितना है? 2,10,000। कितना है? 2,10,000। क्वांटिटी सेंड, कितना साइकिल दिया था बेचने के लिए? 500। कितना साइकिल दिया था बेचने के लिए? 500। और बेचा कितना? 450। तो बचा कितना? 50। तो जो बचा ऊपर आएगा, 800 ऊपर आएगा ना। तो अब इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे तुम लोग? कैलसी में सॉल्व करेंगे। 2,10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 21,000 आएगा। कितना आएगा? ये 21,000 को बोलेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या बोलेंगे? तो कैसे सॉल्व किया मैंने, आ जाओ। कितने का माल था और कितना खर्चा किया? तो 2,10,000 का माल था। कितना माल दिया था बेचने के लिए मैंने? टोटल 500। क्वांटिटी सेंड, और कितना बेचा? 450। तो अनसोल्ड कितना हुआ? 50। तो ये हो गया क्लोथिंग स्टॉक। ये क्या हो गया तुम्हारा? 21,000। सिंपल, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी ये वाला क्वेश्चन में तुम लोग ने जो सॉल्व किया, इसमें प्राइस एक दिया था कि दो दिया था? दो। कितने का माल था? 300। और कितने में सब इनवॉइस प्राइस था? 400। जब दो रेट दिया रहेगा ना,
क्या दिया रहेगा? और स्टॉक बचा है, क्या बचा है? तो उसको रिजर्व करेंगे, उसको लोडिंग करेंगे। तो इधर लिखने का स्टॉक रिजर्व, क्या लिखने का? स्टॉक रिजर्व। लोडिंग क्या लिख देंगे? लोडिंग। तो कितना स्टॉक बचा? 500 साइकिल था ना, तो बेचा कितना? तो बचा कितना? 50। वो लेने का और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? दोनों को माइनस करो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपये आएगा ना। तो 100 रुपये तो अपने को लोड करना पड़ेगा, ये 100 रुपये का हिसाब भी देखना पड़ेगा। 5000 ये कब करेंगे स्टॉक रिजर्व? जब क्या प्राइस दिया रहेगा? जब दो रेट दिया रहेगा, राइट। तो कैसे है स्टॉक रिजर्व? बैलेंस स्टॉक कितना है? 50। और डिफरेंस रेट? 100। मल्टीप्लाई करके कितना है? 5000। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये टोटल से टोटल माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्रेडिट वाला टोटल ज़्यादा है, 2, 25, 50, 21। ये मान लो 2,96,000 है, कितना है? 2,96,000। इधर लिखने का 2,96,000, उसमें से सब चिल्लर माइनस कर दो, सब चिल्लर क्या कर दो, तो 53,500 प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसा तुमको कंसाइनमेंट का सम सॉल्व करना है। तो अभी तुमको क्या देखने का था? एक तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक रिजर्व मतलब होता है कि कितना स्टॉक था, उसका एक्स्ट्रा प्राइस क्या था, उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली कितना स्टॉक बचा? और दोनों का रेट माइनस करने का था ना इधर, तो कितना आया था? 100। तो वो लोड करना है। अगर ये प्राइस दिया ही नहीं है, एक ही प्राइस दिया, तो ये एंट्री आएगी भी नहीं ना यार। तो मैंने डायरेक्ट हार्ड वाला सम तुम्हारे लिए ट्राई किया है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।